सो नमस्ते दोस्तों, पीटीसी के आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। और आज इस सेशन के अंदर ऑप्शन की सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। पहली जो स्ट्रैटेजी थी इसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया कवर कॉल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कवर पुट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल स्ट्रैटेजी है। मैं एक आपको केस स्टडी भी बताऊंगा कि अभी जिस समय ये मैं सेशन कर रहा हूँ मुझे निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी अभी देख रहे हो ना, जैसे ही मैंने नया वीडियो रिलीज़ किया ऐसे अभी इमीडिएटली आप देख रहे हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिले जिसमें शायद आप 25 से 50 हज़ार रुपए आप कमा सको इन द सिंपल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 30-40 थाउजेंड। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे उससे ज्यादा, उससे ऑलमोस्ट दुगना आप कमा पाओगे। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर यू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, आज जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन मैं करने वाला हूँ वो एक सिंपल कवर पुट स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आपका व्यू बुलिश है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, व्यू आपका बेरिश है तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्यूचर को मैं बाई कर लूँगा। अगर मेरा व्यू बेरिश है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्यूचर को सेल कर दूंगा। अब साथ साथ में मुझे हेजिंग तो करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एट द मनी का पुट ऑप्शन भी जो है इसको मैं बाई करते हुए मैं यहाँ पे चलूंगा और इस जगह पे मैं एट द मनी का कॉल ऑप्शन में बाई करूंगा। ऑलराइट, यानी जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अंडरलाइंग सिक्योरिटी में जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की पोजीशन को मैं यहाँ पे बाई करते हुए चलूंगा। अब ये स्ट्रैटेजी का बेनिफिट पता है क्या है, अब आप सिंपल अगर आप ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे तो आप अपने निफ्टी या किसी भी स्टॉक के अंदर जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है, स्पान मार्जिन है, रिस्क मार्जिन जो ब्रोकर आपसे चार्ज करते हैं उसको आप आधे से भी कम कर सकते हो। जी हाँ, आधे से भी कम कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें एक पे ऑफ चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है एक सिंपल पे ऑफ चार्ट। लेकिन इस पे ऑफ चार्ट में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको निफ्टी का एक सिनेरियो बता दूं। आज जिस समय मैं लेक्चर कर रहा हूँ निफ्टी बाई साहब बाय गॉड मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त। देखो, स्टॉक मार्केट में जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये वाला जो यहाँ पे गैप बना था इट इज़ बिकॉज ऑफ द गणेश चतुर्थी। एंड यहाँ पे जो आपका निफ्टी नीचे आपका जो खुला है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हॉलीडे ऑफ महात्मा गांधी जयंती। तो ये दोनों छुट्टी वाले जो दिन है ना उसमें मार्केट ने हमें बहुत परेशान किया। एंड अगर आप भी इस तरीके की मार्केट सिनारियों से परेशान होते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड नंबर वन कि जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80-90% ऑफ द गैप हैपन्स इन अ डायरेक्शन ऑफ अ प्राइमरी ट्रेंड। एंड अगर आपको प्राइमरी ट्रेंड अगर आपको समझना है, अगर आप ये जानना सीखना समझना चाहते हो कि किस तरीके से ये जो इनसाइड जो ट्रेंड होता है मार्केट की जो डायरेक्शन है ये कैसे डिसाइड करे, कब डिसाइड करे, टॉप एंड बॉटम फिशिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास कौन से टूल्स अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू फॉर 100% फ्री। और उसके लिए आपको एक सिंपल काम करना है, मेरा ये जो व्हाट्सअप नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है क्या, आपको इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर फ्री लिख के मैसेज भेजना है। जब आप ये फ्री लिख के मैसेज भेजोगे माई टीम विल गेट बैक टू यू। दोस्तों, एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी मार्केट एक स्पाइक देता है ना, देखो टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न है विच इज़ कॉल्ड अ पैटर्न वी एंड पैटर्न है पैटर्न ए। ऑलराइट, एंड अगर आपने ये फ्री लिख के मैसेज अगर भेजा होगा तो ये पैटर्न वी और पैटर्न ए का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नाउ जब कभी भी मार्केट एक बहुत ही स्पाइकली यहाँ पे गिरता है ना तो होता क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अपसाइड दैट इंक्रीजेस, लेकिन द स्पाइक्स इन अ नेगेटिव डायरेक्शन दैट विल ऑल्सो ऑकर। तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि बॉटम बन गया हो या हम बॉटम से बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी जो ये जो रेंज एक्सटेंशन है ऑलराइट, इस कारण से हम जनरली सेल की पोजीशन नहीं ले पाते। और वहीं पे ये जो कवर पुट स्ट्रैटेजी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आई वुड से ये ईश्वर के आशीर्वाद के तौर पे ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम करती है। मान लीजिए जिस समय मैं सेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि निफ्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज़ 19,470। ऑलराइट, अब यहाँ से मुझे बाई करने की पूरी इच्छा है लेकिन नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये डर से अगर मैं बाई नहीं कर पाता हूँ तो अब ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा कि यहाँ पे एक मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी रहने वाली है क्या कि मैं यहाँ पे एक फ्यूचर को बाई करूँगा। मैंने ये एक पे ऑफ चार्ट आपके लिए बनाया है, अगर आप फ्री लिख के मैसेज भेजोगे तो ये पे ऑफ चार्ट की भी ट्रेनिंग मैं करने वाला हूँ, तो उसमें भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने फ्यूचर बाई किया 19,567 पे, लेकिन मार्केट के अनवांटेड प्राइस एक्शन या निगेटिव प्राइस एक्शन से मुझे डर लगता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी यानी फ्यूचर को बाई तभी आप कर सकते हो जब आपका व्यू जो है वो बुलिश है, और ये आपको तब करना चाहिए जब आपका जो स्टॉक है या तो एक सपोर्ट के प्रयास है। और ये सपोर्ट कौन सा, देखो सपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके मेजर सपोर्ट एंड दूसरे जो होते हैं दैट इज योर माइक्रो सपोर्ट। तो ये जो स्ट्रेटेजी ये माइक्रो सपोर्ट पे वर्क नहीं करेगा, और बिकॉज ये माइक्रो सपोर्ट पे वर्क नहीं करेगा इस स्ट्रेटेजी को आप सिर्फ और सिर्फ मंथली के टाइम फ्रेम में अप्लाई करेंगे, वीकली के टाइम फ्रेम में अप्लाई नहीं करेंगे। तो या तो आप सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं या तो आप ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या तो आप दो चीज कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट जब आपको यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे आप एक लॉट यहाँ पे आप बाई कर लीजिए एंड दूसरा जो लॉट है ये आप
इस जगह पे बाई कर लीजिए। अब आप बोलोगे सर क्या आप 2 लॉट की बात करते हो, 1 लॉट में ट्रेड करने के लिए मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, लेट से 1,20,000, तो मैं 2 लॉट में कैसे ट्रेड कर पाऊंगा। तो आंसर इज ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आपको फ्रीडम देती है कि आप सेम कैपिटल में 2 लॉट में ट्रेड कर सको। लेट मी टेल यू हाउ। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इसमें आप यहाँ पे एक पुट यहाँ पे बाई कर रहे हो। अब ये जो पुट है, देखो याद रखो कि इस स्ट्रैटेजी में जो पुट बाई किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एट द मनी किया जाता है या फर्स्ट इन द मनी किया जाता है, ना डीप इन द मनी आप कर सकते हो या आउट ऑफ द मनी तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो अगर ये पुट आपने यहाँ पे बाई किया है तो ये पुट जो है ये एक हेज के तौर पर काम करेगा। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये जो पुट हमने बाई किया है उसका जो प्रीमियम है दैट इज 267। अब देखो कवर कॉल एंड कवर पुट स्ट्रेटजी में मेजर डिफरेंस क्या है कि जहां पे कवर कॉल स्ट्रेटजी में जो ऑप्शन का जो प्रीमियम था दैट इज योर गारंटीड प्रॉफिट, ये जो कवर पुट है इसमें ये जो प्रीमियम है दिस इज योर गारंटीड लॉस। जी हाँ, दिस इज योर गारंटीड लॉस। चाहे कुछ भी हो जाए इस लॉस को आप बचा नहीं सकते। फिर आप बोलोगे कि सर अगर हम लॉस को बचा नहीं सकते तो हम 250 पॉइंट का हम लॉस क्यों लें। अब लॉस इसके लिए आप ले पाओगे बिकॉज मान लीजिए कि मैं यहां से निफ्टी में बाय कर रहा हूं, राइट, और मेरा ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे, दिस इज जस्ट माय इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, और मेरी उम्मीद ये है कि भाई 1 महीने के अंदर, लेट्स से 1 महीने के अंदर मुझे विश्वास है कि भाई निफ्टी 500 पॉइंट से लेके 700 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, जनरली जाता है, इतना कोई बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं सिंपली देखूँ तो ये जो गिरावट यहाँ से लेके यहाँ तक आई है ये कितने पॉइंट की है, ये 750 पॉइंट की है। ऑलराइट, तो निफ्टी 500-1000 पॉइंट का प्राइस एक्शन इजीली दे देता है, बट थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 दिन में नहीं देगा। अब जैसे इसके पहले का भी जो बुल मोमेंटम है, ये वाला बुल मोमेंटम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बुल मोमेंटम भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बुल मोमेंटम है अप्रॉक्सीमेटली 998 पॉइंट का और ये बुल बेयर मोमेंटम है 730 पॉइंट्स का। तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1600-1700 पॉइंट का प्राइस एक्शन देगा विद इन अ मंथ। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे 1000 पॉइंट निफ्टी में मिलेगा, ज़रूर आपको मिलेगा, बट ऑब्वियसली उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि बड़ा पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपने मन में एक स्ट्रांग कन्विक्शन लेके आना पड़ेगा। चलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में मान लीजिए कि ये निफ्टी में यहाँ पे मैं बाई करता हूँ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19,500, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकता है। अगर ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस पे आ गया विच इज़ 19,766 तो भी जो मेरा लॉस है वो पूरा रिकवर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो मैं ऑप्शन का प्रीमियम में बाई कर रहा हूँ 267 पॉइंट, अब इसका ब्रेक इवन आएगा 668 पे, 19,668 पे, और ये प्राइस बहुत ईजिली यहाँ पे आ जाएगा। तो इनफैक्ट अगर यहाँ से निफ्टी सिर्फ इतना ही रिकवर करे ना, 2 दिन पहले के हाई के पास भी आ जाए, इवन इन दैट सिनेरियो आई विल बी इन अ प्रॉफिट। एंड अच्छी बात जानते हो, ये जो कवर पुट स्ट्रैटेजी है इसमें जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट रिड्यूस बाय अप्रॉक्सीमेटली 50%। यानी अगर निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अगर आपको 1,20,000 का मार्जिन चाहिए तो इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने के लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ 60,000। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 लॉट आप यहाँ पे बाई कर सकते हो जिसमें आपके 50-60,000 रुपये लगेंगे, और यहाँ पे अब दूसरा लॉट आप यहाँ पे बाई कर सकते हो तो उतने ही कैपिटल में अब आपके पास 2 लॉट यहाँ पे आ गए। एंड बिकॉज आपने पुट बाई ऑलरेडी करके रखा है तो कल अगर मार्केट में सेलर सर्किट भी आता है तो भी आपको एज सच इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये बाई की स्ट्रैटेजी है। बाई की स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, देखो मैंने फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाई की स्ट्रैटेजी है इसमें यहाँ पे जो फ्यूचर है उसको यहाँ पे बाई करेंगे और एट द मनी का जो पुट ऑप्शन है ऑलराइट उसको यहाँ पे हम बाई करेंगे। अगर मेरा व्यू बेरिश है तो मैं यहाँ पे फ्यूचर को सेल करूँगा और साथ साथ में एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे बाई करूँगा। इस स्ट्रैटेजी में जो आपका ऑप्शन है इसको सिर्फ और सिर्फ बाई ही किया जाता है, इसको सेल नहीं किया जाता। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि भाई ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर फंस गया तो आप क्या करोगे। इस रेंज के अंदर फंसने पे आपको अपने पोजीशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप अपना रिटर्न को भी अगर इंक्रीज करना चाहते हो, मान लीजिए कि आपके यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया लेकिन अब ये 250 रुपये का जो आपने प्रीमियम जो बाई किया है वो तो आपका गारंटीड लॉस हो गया, तो इससे बचने के लिए आपको एडवांस स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फायर फाइटिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मार्केट के सिनारियोज को समझना पड़ेगा, आपको मार्केट के साइकिल्स को समझना पड़ेगा। और ये अगर सारी चीज़ें आप मेरे साथ देखना सुनना सीखना समझना चाहते हो अलॉन्ग विद अ स्कैनर अलॉन्ग विद अ स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद अ मेंटरशिप अलॉन्ग विद अ
कम्युनिटी अपडेट, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना सुनना सीखना समझना चाहते हो तो ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट्सएप में EXL लिख के मैसेज आप भेज दीजिए इस नंबर के ऊपर। एंड जब आप ये मैसेज भेजोगे तो जो मेरी टीम है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि किस तरीके से आप अपने लिमिटेड कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। आई होप आज के सेशन के अंदर जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। असाइनमेंट किए बिना आगे जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। कमेंट सेक्शन में लिखे द 5 मोस्ट लर्निंग पॉइंट्स, आपको इस सेशन के सबसे बेहतरीन 5 लर्निंग पॉइंट कौन से आपको लगे। अगर आपको 5 पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं वीडियो को फिर से आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, असाइनमेंट नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगले लेक्चर में मिले, अगले सेशन में मिले, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हार्ड एंड मनी एंड जय हिंद।